शिवपुरी के गुरुद्वारा चौराहे पर एसबीआई बैंक के सामने एवं अन्य दुकानों के सामने नाली चौक होने से नाली का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। वहीं दुकान एवं बैंक में आने जाने वाले लोगों को गंदे पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। साथ ही दुकानदारों को बदबू एवं गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते दुकानदार एवं ग्राहक दोनों ही परेशान होते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि ठंडी सड़क पर सड़क निर्माण कार्य जारी है। इसी के चलते ठेकेदार ने थीम रोड के किनारे सड़क पर गिट्टी डाल दी है, जिसके कारण गिट्टी नाली में चली गई है, जिससे नाली चौक होने से नाली का पानी नाले तक नहीं पहुंच पा रहा है और वापस से सड़क पर से निकलकर गुरुद्वारा तरफ आ रहा है, जिसके चलते पूरा गंदा पानी दुकानदारों के सामने आ गया है, जिसके चलते लगातार ग्राहक एवं दुकानदार बदबू का सामना एवं गंदे पानी में से निकलने पर मजबूर हैं। वहीं दुकानदारों ने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली योजना भी चल रही है, जिसके चलते महिलाएं केवाईसी के लिए जैन टेलीकॉम सेंटर एवं पास वाली दुकान पर आ रहे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री की लाडली बहनों को भी गंदे पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है और कई लोग इसमें गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। आपका अकर सिंह परियार जी, गुरुद्वारे पे समस्या आ रही है, पानी की गंदगी भरी है, बहुत गंदी गटर का पानी आ रहा है और इसमें क्या नाम है, बहुत बदबू आ रही है और यहाँ पर पूरे सियाने भी निकलते हैं, अंदर बैंक में जाते हैं तो दो लोग गिर पड़े तो उनको उठाया हमने। बहुत समस्या आ रही है, पानी भरता है सुबह 9 बजे से और 3 बजे तक। कारण क्या है पानी भरने का? कारण नाली चौक हो गई है, नाली आ गई, गिट्टी बजरी गिट्टी भर रही है, वो जो सड़क बन रही है ना उसका मतलब वो मलबा भर रहा है इसमें। तो ठेकेदार ने क्या नाली में गिट्टी वगैरह डाल दी? डब्बा डाल दी है उसमें। तो आपने इस बारे में ठेकेदार से बात की? दो चार बार घूमे, कोई नहीं सुनता है, फोन फूल पता नहीं ठेकेदार, काम बंद हो गया। जाओ नगर पालिका में गई, नगर पालिका में गए, नगर पालिका ने बोला कि निकल देंगे अभी। दो योगेंद्र सिंह चौहान। योगेंद्र जी, ये गंदगी हो रही है गुरुद्वारे पे, क्या कहना है आपका? मेरा कहने का, ठेकेदार से भी मेरी बात हुई थी, ठेकेदार से बात हुई थी तो ठेकेदार है ना टालने लगा कि है ना मैं आज करवा रहा हूँ, कल करवा रहा हूँ, परसों करवा रहा हूँ। और बूढ़े कर्मचारी वगैरह आते हैं बेचारे पेंसिल वाले निकलवाने, तो वो है ना गिर जाते हैं, यहाँ पर रपड़ जाते हैं, बड़ी संभावना कोई दिक्कत आ सकती है भारी। कितना समय हो गया इस गंदगी को यहाँ? 7-8 दिन हो गए कम से कम। 7-8। ठेकेदार कौन है इसका जो रोड डाल रहा है वहाँ पे? ये ठंडी सड़क पर रोड डल रही है तो उसके कारण है ना वो गिट्टी और मुरा मैंने पूरा नली में डाल दिया है और नली चौक है। लापरवाही किसकी मानोगे इसमें आप? लापरवाही किसकी है इसमें? इसमें ठेकेदार ने है ना नली जाम कर दी है तो है ना उसके कारण है ना जो दिक्कत भारी दिक्कत आ रही है इसमें। ये लाडली बहना के है ना जो फार्म भराई आ रहे हैं उनको भी है ना भारी बैंक में भीड़ हो रही है। देखो आप है ना ये गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं, देखो आप गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं। तो मामा की बहनों को भी दिक्कत आ रही है इसमें? बहनों को भी दिक्कत आ रही है, लाडली बहनों को दिक्कत आ रही है इसमें फार्म भरने के लिए। तो है ना कहीं फलांगे भी नहीं आ पा रहे क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है, ना ईंट पत्थर कुछ भी नहीं है, तो पत्थर पर भी रखेंगे तो वो रपट जाते हैं, बहुत गंभीर हालत है। मैं आपको, मेरा नाम सोहेल खान। सोहेल जी, ये मतलब कौन सी दुकान पे काम करते हो? मैं जैन टेलीकॉम सेंटर गुरुद्वारा चौक। गंदगी हो रही है, कब से क्या वो परेशानी आ रही है? गंदगी को आज से करीबन 8-15 दिन हो गए हैं, ऐसी नाली भरी रहती है, आगे काम चल रहा है जो ठंडी सड़क का, तो ये गिट्टी वगैरह ईंट वगैरह जो बजरी है वो नाली में भर चुकी है, उस कारण जो पानी निकल नहीं पा रहा है। इसकी शिकायत अपन ने कर भी रखी है नगर पालिका में भी, पर कोई देखने अभी तक आया नहीं है। तो आपको दुकानदारी में भी प्रभावित हो रही होगी? कस्टमर आने में दिक्कत होती है, बैंक भी बगल में है मेरे, पीछे बैंक है मेरे, इसमें भी कस्टमर आने में दिक्कत होती है, रोज ही ना इतना पानी भरा रहता है कि समस्या बनी रहती है, और करीबन 3-4 बजे तक ऐसी समस्या रहती है, उसके बाद पानी खाली होता है धीरे 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 धीरे। आपका, मेरा नाम अरुण वर्मा है जी, मस्त बनाती पान के नाम से शॉप है। ये गुरुद्वारे पे क्या समस्या आ रही है आपको? गुरुद्वारे में समस्या आ रही है कि पिछले अभी साल भर से परेशानी आ रही है, नालियों का पानी ऊपर आ रहा है रोडों पे, और बैंक आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या आ रही है, और बैंक से पास में जितनी भी दुकानें हैं उनके आगे काफ़ी नाली का गटर का पानी ऊपर आ रहा है, जिससे दुकानों को आम जन जो बैंक में जाना चाह रहे हैं उनको भी परेशानी का सामना करना है। पिछले अभी 8 दिन से नाली काफ़ी बार बार चौक हो रही है, पूरा महल कॉलोनी का पानी इस नाली में आता है, नाली काफ़ी छोटी बनाई गई है, नाली के अंदर पूरी रेता वगैरह भर गई है, इससे नाली चौक है। पिछली 1 महीने से पहले नगर पालिका भी कंप्लेन कर रखा है, कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं है, आते हैं कहते हैं देख जाते हैं कि साहब करवा देंगे, खुदाई होगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं।